टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बना लिया है और इस प्लान के तहत आने वाले 5 सालों में टाटा ग्रुप जो है वो एयर इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट शेयर को 30% से इंक्रीज करने वाला है। तो अगर आने वाले 5 सालों में एयर इंडिया का मार्केट शेयर जो है वो 30% से इंक्रीज होता है तो एयर इंडिया का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा और इसी के साथ साथ इसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो एयर इंडिया को होगा। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में टाटा ग्रुप के शेयर्स ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और अगर आप टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन एरा है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाला है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इसी के साथ इंडिया के इस प्लांट की वजह से इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिकते हैं उसकी रेट जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि करंटली जितने भी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है उनका इंपोर्ट करना पड़ता है और करंटली इंपोर्ट्स पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर का मार्केट भी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है तो सेमीकंडक्टर के प्लांट के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा $1.54 ट्रिलियन का। और इसी के साथ साथ यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के प्लान की वजह से 1 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न कमा कर देगी। वॉक्सवैगन की पैरेंट कंपनी ने मार्केट में बहुत ही जल्दी आईपीओ लाने का प्लान बना लिया है और आईपीओ के लिए इस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन रखी है $78 बिलियन की। वॉक्सवैगन की पैरेंट कंपनी का नाम है पोर्शे और इस कंपनी का आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये कंपनी अपने आईपीओ राउंड में रेज करने वाली है $9.4 बिलियन। अगर आप यूएस मार्केट के शेयर्स में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आईएनडी मनी एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको एडिशनल चार्जेस पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इंतजार किस बात का है, आईएनडी मनी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या आपको ये पता है कि 2022 में स्टॉक मार्केट में जितना भी प्रॉफिट हुआ है, सेंसेक्स में जितनी भी ग्रोथ हुई है, निफ्टी में जितनी भी ग्रोथ हुई है, इस टोटल ग्रोथ का 80% पोर्शन जो है वो अदानी ग्रुप की 7 कंपनीज को जाता है क्योंकि अदानी ग्रुप की इन 7 कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी 2022 में और इसी चीज का इंपैक्ट पड़ा इंडिया के स्टॉक मार्केट पर और इसी के साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी पर। अगर आप लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों ने कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में तो अडानी पावर के शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग देते हुए ये कहा है कि आने वाले डेज में इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी तेजी से बढ़ेंगे और बहुत सारी कंट्रीज जो है अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी क्योंकि इनका मानना यह है कि 2022 में मार्केट में बहुत बड़ा रिसेशन आएगा ग्लोबल मार्केट में। तो इसी की वजह से हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा और मार्केट की लिक्विडिटी को कम करेगा। तो अगर 2023 में रिसेशन आता है तो इस चीज की प्रिपरेशन आपको पहले से करनी है। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आप रिसेशन को भी बीट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यहां पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अदानी पोर्ट्स को ताजपुर में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके डीप सी पोर्ट बनाने की अनुमति दे दी है। अब यहां पर अदानी ग्रुप की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ये परमिशन मिल चुकी है तो अदानी पोर्ट के शेयर्स कितने तेजी से जंप करते हैं आने वाले 2 से 3 महीने में आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अदानी पोर्ट्स के शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अदानी पोर्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर आप आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे रिटर्न कमाएंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि आने वाले डेज में इंडिया जो है वो काफी तेजी से ग्रो करेगा और इसी के साथ साथ इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको नहीं समझता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आंख बंद करके भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे आप सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करो या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करो, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो आने वाले डेज में ग्रो ही करेगी क्योंकि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनका मतलब यह है कि आपने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपको ये पता है कि इंडिया ने रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पर 35,000 करोड़ रुपीज की सेविंग की है? कैसे बताओ, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब इंडिया ने रशिया के पास से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल को इंपोर्ट किया था और डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल को खरीदने की वजह से इंडिया की सेविंग हो चुकी थी 35,000 करोड़ की। तो क्या आपको ये चीज पता थी? ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए मेरे YouTube और Instagram के चैनल को जरूर फॉलो करना। आज से 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेजर स्टेक एक्वायर करने वाली है वोडाफोन आइडिया के कंपनी में, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्लान कैंसिल कर दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस 10 रुपए पर आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहां पर यह कहना है कि अगर वोडाफोन आइडिया की कंपनी के शेयर्स के प्राइस अगर 10 रुपए के नीचे नहीं जाते हैं तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में मेजर स्टेक को एक्वायर करेंगे और 10 रुपए की प्राइस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये 10 रुपीज के प्राइस पॉइंट को मेंटेन रख पाएगी या नहीं रख पाएगी मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे जरूर बताना कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है।